हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल मिकी क्लासेस। तो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ यूपीपीएससी आरओआरओ 2023-24 का जो एग्ज़ाम हुआ है 11 फेब को, ठीक है। इसमें जो पेपर लीक वाली जो बातें आ रही हैं आप लोगों के सामने, ठीक है, क्या इसका जो एग्ज़ाम है वो दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो बच्चे ट्वीट कर रहे हैं, बार बार रीट्वीट कर रहे हैं, अपनी बातें सरकार तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। ऐसा पहले भी कई एक बार हो चुका है 2016 के आरओआरओ के पेपर में, वहाँ पर भी ऐसा ही कंडीशन हुआ था। और मतलब कि उसमें जो पेपर था वो दोबारा हुआ था, सरकार के द्वारा ऐसा किया गया था कि जो एग्ज़ाम था तो उसका री एग्ज़ाम करवाया गया था, ठीक है। तो अभी ये जो अभी 11 फेब को जो एग्ज़ाम हुआ है यूपीएससी आरओआरओ का, जो 2024 में फॉर्म 23 में जो फॉर्म निकला था उसका जो एग्ज़ाम हुआ है 11 फेब 2024 में, उसमें भी यही कंडीशन, यही सेम सिचुएशन आ रहा है कि मतलब यहाँ पर जैसे ही बच्चे पेपर देते हैं और बाद में पता चलता है कि जो पेपर है वो कई सेंटर्स पर लीक हो गए हैं, कई ज़िलों में जो सेंटर बने हुए थे वहाँ पर लीक हो गए हैं पेपर। और पेपर देने देने के पहले ही मतलब उन लोगों के पास, कई सारे बच्चे ऐसे जिनके पास आंसर की पहुँच गए थे और ये आंसर की हुबहू मैच भी किए, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन से, क्योंकि तो क्वेश्चन आए हुए थे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये सारे सबूत हैं, कई सारे बच्चों के पास ऐसे व्हाट्सएप मतलब मीडिया के थ्रू पहुंच ही जाता है, फेसबुक व्हाट्सएप और भी कई सारे जो ट्रेंडिंग मीडिया ऑप्शन है उसके थ्रू पहुंचने में देरी नहीं लगती। अगर एक जगह लीक हुआ तो 4-5 सेकंड में ही पूरा फैल जाता है ये सारी चीज़ें, र्यूमर्स, ठीक है। तो मुझे भी लगता है कि मतलब कि ये बहुत ही बड़ी मात्रा में ये लीक वाली मामला हुई है और काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट किया है, ठीक है, क्योंकि उनको आंसर तो पता चल गया था, ठीक है, तो उनको तो पेपर कर सॉल्व करने में उतनी कठिनाई हुई नहीं होंगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, जो कट ऑफ है आप लोगों का, जो कट ऑफ है वो अगर ये री एग्ज़ाम नहीं होता है, री एग्ज़ाम नहीं होता है इस एग्ज़ाम का, तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाली, बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो कई साल से आरओआरओ एग्ज़ाम के लिए, यूपीपीएससी आरओआरओ एग्ज़ाम के लिए लगे हुए थे, ठीक है। अगर वो उनका मेहनत जो था, ठीक है, उस जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत किया उस हिसाब से उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया, भले ही पेपर का जो लेवल था, जीएस का जो लेवल था वो थोड़ा कठिन था, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पूरा जोर दिया, ठीक है, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और उसके लिए वो बाकायदे तैयारी भी किए थे। अगर कट ऑफ आई जाती है इस पेपर लीक की वजह से और री एग्ज़ाम नहीं होता है, तो ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जिन्होंने पूरे मन से जो तैयारी की थी, ठीक है, उनसे मैं बात करता हूँ, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगा ये, ठीक है, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगा। लेकिन जो ऐसे ही मतलब कि हवाबाजी में जो पेपर दे रही है, ठीक है, उनके लिए मैं तो ये नहीं कहता कि मतलब कि री एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन इनके लिए, इनके समर्थन में मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो पढ़ने वाले बच्चे थे और पढ़ के एग्ज़ाम दिए हैं अच्छे से, ठीक है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये यूपीपीएससी आरओआरओ का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा किया जाए, ठीक है, री एग्ज़ाम करवाया जाए। और इसके लिए जो है बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स इसके सपोर्ट में हैं वो ट्विटर पर लगातार रिपीट करते रहे, अपनी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुँचाते रहे, क्योंकि और मैं बता देना चाहता हूँ, जिन बच्चों के पास ये सबूत है उनकी आंसर की या कुछ और, ठीक है, इसको भी ट्विटर पर डालते रहें, और जितने भी ट्विटर हैंडल के लोग हैं जो ट्वीट में मतलब ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हैशटैग है उसको रीट्वीट करते रहें आप लगातार, ताकि सरकार तक बात पहुंचे और उनको पता चले कि मतलब कि यहाँ तक कि आयोग ने भी साफ कर दिया कि हाँ मतलब कि इसमें एसटीएफ की जाँच करवाई जाए और इंटरनल जो जाँच है वो भी करवाई जाए, ताकि पता चल सके कि मतलब कि इसमें कितनी बड़े लेवल पे जो है धांधली हुई है, और तो मतलब कि यहाँ पर एग्ज़ाम लीक हुआ है, मतलब ये पेपर लीक हुआ है, ये कितनी बड़ी मात्रा में लीक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आयोग भी इस चीज़ को मतलब कि सीरियस ले रहा है, ठीक है, कि जांच कर रहे हैं, तो आप बेफिक्र रहें। अभी आप लोगों का जो 17 तारीख को जो पेपर है, एक मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्त, जो आप लोगों का जो 17 तारीख को आप लोगों का यूपी पीसीएस का जो 17 मार्च को पेपर है, अभी आप लोगों के पास 1 मंथ है, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। बाकी अपना जो तैयारी है उसको लगातार बरकरार बनाए रखिए, और अगर री एग्ज़ाम होता है तो फिर आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है, पेपर। और बाकी
अगर री एग्जाम नहीं होता तो यहाँ पर दोस्त यूपीपीसीएस जो पेपर होने वाला 17 मार्च को, उसके लिए आप लोग तैयार रहें। बाकी आयोग के ऊपर है कि ये री एग्जाम करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, ठीक है। और मुझे तो जहाँ तक मुझे लगता है री एग्जाम ये सब नहीं करवाएंगे, ठीक है। मुझको 80% विश्वास है कि मतलब कि ये री एग्जाम नहीं होगा, बाकी 20% इनके ऊपर है कि ये री एग्जाम करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त कट ऑफ की, तो कट ऑफ अगर जनरल की मैं बात करूं तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 130 प्लस ही जाएगा, ठीक है। और ओबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 125 प्लस यहाँ पर कट ऑफ रहेगी। और अगर मैं बात करूं एससी और एसटी की, एससी और एसटी की, तो यहाँ पर एससी और एसटी की इससे थोड़ी सी कम हो सकती है, 105 प्लस, ठीक है, 105 प्लस ये कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि तो पेपर का जो लेवल था वो भी कठिन था, और कठिन होने की बात नहीं है, यहाँ पर जो बड़ी मात्रा में धांधली हुई है ना, इसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी। और पिछली बार क्या था, जो 2017 में जो पेपर 16 में मतलब कि जो आप लोगों का आरओ का एग्जाम था वो लीक हुआ था, ठीक है, और री एग्जाम हुआ था 2017 में, तो उसका जो कट ऑफ हुआ था जनरल का, जनरल का उस टाइम कट ऑफ जो बना था 122 बना था, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 120 बना था, ठीक है, और एससी का 105 बना था, एसटी का जो था वो 84 बना था। तो यहाँ पर तो एससी का जो था, एससी का जो यहाँ पर 105 मैंने लिखा ना, 105 नहीं होगा, 100 से नीचे ही रहेगा, 100 माइनस ही रहेगा। अब देखिए कितना रहता है, बाकी इतना मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि 130 प्लस जनरल का होगा, उसी हिसाब से सारे कैटेगरी का भी जो है कट ऑफ रहेगा, अगर री एग्जाम नहीं होता है तो, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, ओके। बाकी आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए, बाकी यूपीपीसीएस जो एग्जाम होने वाला है 17 मार्च को, उसमें आप लोग बेहतरीन कर सकें, ओके। बाकी आयोग के ऊपर है क्या करते हैं, लेकिन आप लोग रीट्वीट करना मत भूलिए, मतलब कि जितना हो सके ट्विटर पे आप लोग रीट्वीट करते रहिए कि इसका जो री एग्जाम है वो होना चाहिए, ठीक है। अभी सरकार तक बात पहुंचेगी, अगर बाय द वे 20% जो चांस है री एग्जाम होने की हो जाए तो आप लोगों के लिए अच्छा ही हो जाएगा, ओके। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों का जो मेरा सपोर्ट है आप लोगों का, ठीक है, जितना हो सकेगा मैं सपोर्ट करूंगा, ठीक है, और आपका ये भाई हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।